गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ अलग टाइप का, इसको समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू वाइल्ड स्टॉर्म एंड इट्स मेक एन एंड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। एक बेटा क्या था, एक छोटा सा पेड़ था, छोटा सा या फिर लंबा था मान लो, ठीक है, एक पेड़ था, ये रहा एक पेड़ था हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा लंबा चौड़ा मेरा पेड़ था। अब एक दिन क्या हुआ, आंधी आई बहुत तेज। अब बहुत तेज आंधी आई तो क्या हुआ, ये पेड़ बेचारा यहाँ से टूट गया। ये अब यहाँ से ये टूट के यहाँ लटकेगा, ये जमीन में लटकेगा बेचारा, और कहाँ लटकेगा, ये जमीन में लटक गया इस तरह से। तो इस तरह से लटकने से इसका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो एंगल हमको दे रखा है, ये कितने डिग्री का दे रखा है बेटा, हमको 60 डिग्री का दे रखा है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है, ये हमको कितनी दे रखी है, ये हमको डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर की दे रखी है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल हाइट ऑफ द ट्री, यूज अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.732। देखो बेटा समझना ध्यान से, अब हमको क्या निकालनी है, हमको इस ट्री की हाइट निकालनी है। अगर मैं इस हाइट को, ये मान लो पूरा ट्री था बी से लेके पी तक का, लंबाई का अपना ट्री था। ये मेरा क्या बनेगा, बेस बनेगा, और ये बनेगा मेरा परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर दोनों होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोले, ठीक है। कितना आ गया, tan theta equal to perpendicular upon बेस आ गया। थीटा की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, ये रख देंगे अपन tan 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे बेटा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा h1, बेस है हमारा 10, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। यहाँ से h1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan रूट 3 मीटर। h1 की वैल्यू तो आगे कितनी है हमारी, h1 की वैल्यू आगे बेटा हमारी tan रूट 3 मीटर आ गई। आगे बात समझ में, अब हमको निकालनी है किसकी, h2 की वैल्यू। अभी जो हमारा h2 है ना, अब मेरे को बात बताओ h2 कैसे निकालेंगे, a से लेके p तक की h2 है, लेकिन h2 क्या है हमारी, a से लेके p तक की जो लंबाई थी वो टूट के कहां पे गिर गई, ac पे, यही तो गिरी थी। तो ये हमारी क्या बन गई, अब यही तो हमारी h2 है। तो हमको क्या निकालना, सीधा सीधा ये हाइपोटेनस निकालना है। देखो बेटा, हाइपोटेनस निकालने के लिए किसका यूज करेंगे हम, cos थीटा का यूज करेंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा यहां से लगा देता हूं बेटा मैं, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, cos थीटा की जगह पर कितना, थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखूंगा, और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बेस है मेरे पास 10, और मुझे निकालना क्या है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है मेरा h, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरी कितनी आ जाएगी, h2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20 मीटर। आगे बेटा कितनी, h2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 मीटर, 20 मीटर आ गई ना। अगली बात समझ में, तो अगर मेरे को पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के निकालनी है तो कितनी आएगी, दोनों को जोड़ दूँ, ठीक है। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी मेरी, टोटल हाइट आ जाएगी मेरी h1 प्लस h2, कितनी आएगी 10 3 प्लस 20। और मेरे को दे रखा है इसने क्या, मेरे को इसने एक बात बोली है कि अपन को रूट 3 की वैल्यू कितनी रखनी है, रूट 3 की वैल्यू अपन को रखनी है इसमें 1.732 रखनी है। तो रख दो 37.32 मीटर की लंबाई हमारे पास ट्री की लंबाई आ गई। आगे बात समझ में कैसे किया, ठीक है। एक बार तो हमने क्या लगाया, 10 लगाया ताकि हमको ये h1 मिल जाए, दोबारा हमने क्या लगाया, cos लगाया ताकि हमको ये हमारा h2 मिल जाए। और हमारे पूरे पेड़ की लंबाई कितनी है, h1 plus h2 करके b से लेके p तक की हमारी पूरी लंबाई आ जाएगी जो हमने यहाँ पे जोड़ दी। अब हमको रूट 3 की वैल्यू का पता नहीं होती, क्वेश्चन नहीं दे रखी है कि रूट 3 जगह 1.732 रखना है, इसको याद भी रख लेना कि
ठीक है, कई जगह काम आती, कई जगह दे रखी होती, कई जगह नीचे रखी होती है, ठीक है। अगर नीचे रखी होगी तो हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि रखो तो रख देते हैं। 1.732 रख दी, 10 × 1.732 करेंगे 70.32 प्लस 20, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 37.32 मीटर हमारा आंसर आ गया। क्या क्या